सो हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। जैसे कि तुम लोग जानते हो यार, हमारे 2K सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके थे, तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया और तुम लोगों को कहा कि Q&A करते हैं, जो सवाल पूछना है पूछो। तुम लोगों ने दबा के सवाल पूछा और मैं यार इस Q&A में सबके सवाल के जवाब नहीं दे पाऊंगा, इस वजह से मैंने कुछ सवाल चुने हैं और मैं उन्हीं का ही दे रहा हूं। इस वजह से बुरा मत मानना। और हाँ, जो सवाल जो सिमिलैरिटी वाले थे उन सबको मैंने नहीं लिया है। मैं कोशिश करूंगा इस Q&A में तुम्हारे सभी के सभी जवाब जो तुमको मिल जाए। मेरा भाई, सबसे पहला सवाल जो कि लॉर्ड्स ऑफ हरामी ने पूछा, हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर के मॉडरेटर है और जो लोग डिस्कॉर्ड सर्वर में है उन्हें अच्छे से पता है कि वो कौन है। उसने सिंपली बोला है और उसका सवाल लेना ही पड़ गया, मजबूरी है समझ जाओ भाई, तू इतने ज्यादा किल क्यों चुराता है? जो लोग मेरे साथ BGMI खेलते हैं या फिर खेल चुके हैं उन्हें अच्छे से पता है मैं एक नंबर का किल चोर हूं। अब उसको मैं क्या बोलूं? सिंपल जवाब यही दूंगा, ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। नेक्स्ट कमेंट किया एनिमे ल्यूबर ने और इन्होंने एक एडवाइस दिया है, Q&A का नहीं पता बट अपने सब्सक्राइबर्स को इज्जत देना, मेरे जैसे मत करना वरना दूसरे के स्ट्रीम में जाके बैक बिचिंग बाजी होगा। देख लवर, मैं सिंपल तेरे को एक ही चीज कहना चाहूंगा यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी बोले, मैं सबके साथ फ्रेंडली रहने का ट्राई करता हूँ और पता नहीं क्यों तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं सब्सक्राइबर्स, गुस्से हो जाते हैं। वो तो एक तो तेरी गलती होगी वरना उनकी गलती है, मुझे लगता है उनकी भी गलती, वो लोग तेरे को ठीक से समझ नहीं पाते। बात करो मेरी, मेरे बारे में अगर कोई दूसरे चैनल पे जाके बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल मैं अपनी जगह खुश हूँ, मैं बिंदास रहता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद मैं शाउट आउट देना चाहूंगा डी किंग भाई को, क्योंकि यार इन्होंने डिमांड किया था कि Q&A वीडियो फेस कैम के साथ हो। अब चलो सिंपली हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल पूछा ट्रिक्स वर्ल्ड ने #Q&A, एनी चांसेस देयर इज अ ट्रेटर अमंग द स्ट्रॉ हैट्स, इफ यस हु डू यू थिंक इट इज। सिंपली मेरे भाई मैं कहना चाहूंगा मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रेटर होगा, तो यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता कि कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन MRJDARH भाई, हमारा न्यूज वाला, एक बात बताना, आपने अपने वीडियो पे भाइयों को बुलाते हो तो आप अपने फीमेल ऑडियंस को क्या, आपके फीमेल ऑडियंस आपके माउथ से भाई और बहन सुनने के लिए मरी जा रही है। अबे सबसे पहले तो ये चीज़ सुन ले, मेरा फीमेल परसेंट अगर तू मेरा स्टूडियो में जाके चेक करेगा 1.7% है, जो कि कुछ दिन पहले ही बढ़ा है, पहले इसका परसेंटेज 0 में आता था। बात करूँ यार भाइयों बोलने का आदत सब पड़ गया, मुझे मालूम मेरी ज़्यादातर ऑडियंस यार लड़के ही है, लड़की शायद एक भी नहीं है मुझे जहां तक लगता है। जिस दिन फीमेल ऑडियंस होगा उस दिन कुछ और इंट्रो बोलेंगे। और लास्ट में इन्होंने बोला कि #FemaleAudience थैंक मी लेटर, तुमको एक अच्छा भाई दिला दिया, एंड BF चाहिए तो एनिमे लवर को देखो, आंख मारने वाला इमोजी यही सबसे भर दिया। सिंपल यार, कोई फीमेल ऑडियंस नहीं है, और अगर है तो मुझे बता, मुझे भी जानना कोई फीमेल देखती है बोल के मेरा चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है Itachi YT, ब्रो घर पे क्या कार्टून देखते हो कहते हैं एनिमे को घर पे? देखो यार तुमने अजीबोगरीब लिख दिया पर मुझे समझ में आ गया। देखो सिंपली कहूँ तो मेरे घर वाले को समझ में ठीक से नहीं आता, बट मेरी मम्मी को समझ में आ चुका है कि एनिमे अलग होता है कार्टून अलग होता है, लेकिन कुछ भी होता है यार वो लोग सपोर्ट करते हैं मेरे को। नंबर 4 क्वेश्चन पूछा ब्लडी जोकिंग गाइज ने, तू भाई बस थोड़ा सा फोटो क्यों नहीं दिखाता मांगा चैप्टर के रिव्यू, थोड़ा सा दिखाने से कॉपीराइट नहीं लगता है? जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स है ना उन लोग को अच्छे से मालूम है मैं पहले पेजेस दिखाता था भाई, मेरे को स्ट्राइक ना छोटा सा पेज का हिस्सा दिखा करके भी पड़ा है, इस वजह से मैं बंद कर दिया हूँ और मैं दोबारा रिस्क नहीं लेने वाला। मुझे मेरा यूट्यूब चैनल बहुत ज्यादा प्यारा है, क्योंकि यार एक टाइम पे मेरे चैनल पे दो स्ट्राइक पड़ गए थे, अभी मेरे चैनल पे एक स्ट्राइक ऑलरेडी है और मैं अब से पेजेस वगैरह नहीं दिखा रहा हूँ। तुमको देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, सिंपल। इसको तुम बुरा मानो या सही मानो, जो सच है मैंने बोल दिया। खैर मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेयस नीरज का #Q&A, व्हाई इज नो वन टॉकिंग अबाउट सांजिस फ्लेम बीइंग व्हाइट हॉट, दैट मे आल्सो मीन दैट हैव एक्चुअली बिकम व्हाइट। देखो मेरे भाई वो मांगा चैप्टर में दिखाया सिंपल, और हमें ठीक से नहीं पता चल रहा, और हो सकता है कि वो व्हाइट हो गया होगा, और इसके ऊपर मैं वीडियो कभी बनाऊंगा, ऑलरेडी मैंने सांजी के ऊपर पावर के ऊपर वीडियो बना रखा है। और रहा बात, तुमने बोला कि कोई नहीं बात कर रहा, सिर्फ मैं ही बात नहीं कर रहा हूँ, बात करूँ तो उसके ऊपर बिहारी ओटा को वीडियो बना चुका, तुम लोग जाकर ये वाला वीडियो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है Z3RO... जो भी है, अगर कोई एक डेविल फ्रूट लेना हो रियल लाइफ तो कौन सा लोगे और फिर क्या यूज करोगे, प्लीज पिक माई क्वेश्चन, रिसेंटली 1500 सब से आपकी वीडियो देख रहा हूं। भले मेरा फेवरेट डेविल फ्रूट ओपेनोमी है बट मुझे हॉकी में ज्यादा इंटरेस्ट है। नंबर 7 क्वेश्चन पूछा मंगेश कामले, अगर मैं तुम्हारा नाम सही से नहीं ले रहा हूँ तो माफ कर देना, मेरा प्रोनाउंसिएशन तुम लोग जाते हो कितना ही घटिया है। #Q&A फेवरेट वाइफ ऑफ ऑल टाइम,
क्वारंटाइन फ्रॉम गेमर्स, जिसने देखा उसको पता है। वैसे तुम लोग को शायद ज्यादा खास नहीं लगे, बट मुझे खास लगती है। नंबर 8वां क्वेश्चन SOP पूछा है, हैशटैग क्यूएनए फेवरेट एनिमे वन पीस के अलावा और फेवरेट वन पीस कैरेक्टर, एंड क्या इन फ्यूचर आप किसी और एनिमे पे वीडियो बनाओगे। देखो सबसे पहला वन पीस के अलावा यार मेरे बहुत सारे एनिमे फेवरेट है, बट सेकंड नंबर पे मैं जिसको रखता हूँ वो है फेट सीरीज। बहुत लोगों को ये एनिमे अच्छा लगता है, बहुत लोगों को बुरा लगता है, बट मेरा ये सेकंड फेवरेट है। मैं इसको अटैक ऑन टाइटन से भी ऊपर रखता हूँ। वहीं अगर मैं बात करूँ क्या मैं दूसरे एनिमे पे वीडियो बनाऊंगा, मतलब ऐसे अगर तुम लॉन्ग सोनन की बात करो तो हो सकता है जब ब्लीच आए तो ब्लीच पे मैं वीडियो बना सकता हूँ, मेरे सेकंड चैनल पे, इस चैनल पे नहीं होने वाला। नंबर 9 क्वेश्चन पूछा प्रफुल्ल सिंह ने, हैशटैग Q&A व्हाई एवरीवन इज कंपेयरिंग नारुतो एंड वन पीस, आई थिंक बोथ एनिमे आर बेस्ट, आई वांट टू नो यू ओपिनियन। भाई देखो सिंपल मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और देखो ये सब चुतियापे का स्टार्ट वहीं से हुआ है, ड्रैगन बॉल कम्युनिटी से। भाई इंडिया का जो ऑडियंस है ना वो भक्त बन जाती है किसी एक चीज को लेकर के। क्रिकेट का एग्जांपल लो यार, विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर के भरे पड़े हैं, अलग अलग फैन बना पड़ा है। भाई दोनों एक कंट्री के लिए खेलते हैं। वैसे यार एनिमे को भी लो ना, दोनों को सपोर्ट करो, उसको नहीं लेंगे ये लोग। अगर किसी नारुतो फैन को तुम वन पीस रिकमेंड करोगे वो सिंपली एक ही चीज पूछता है, ये नारुतो से बेटर है क्या? तुम क्या बोलोगे? तुम्हारा फेवरेट होगा तो तुम बोल दोगे मुझे नारुतो से अच्छा लगता है, फिर वो गालियां देना शुरू कर देगा। और ऐसे तो चुतिया पे होते रहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दोनों एनिमे मुझे अच्छे लगते हैं, बट वन पीस मेरा फेवरेट है। नंबर 10 क्वेश्चन पूछा है मिस्टर पॉस्कॉन ने, एज क्या है एंड भाभी एंड जॉब क्या करते हो एंड तुम्हारे 1K कब हुए थे? जहां पर मुझे एक ही सवाल ढंग का लगा वो है 1K कब हुए थे, जो कि मुझे खुद याद नहीं, मेरे हिसाब से शायद मार्च या फरवरी में हुएंगे, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। देखो यार आई नो मैंने बहुत सारे लोगों के सवाल नहीं लिया, अगर तुम मेरा वो वाला Q&A वाला वीडियो जाकर के देखो ना, मैंने वहां पे साफ साफ कहा था कि ऐसे सवाल पूछना जो कि तुमने पिछले वीडियो पे नहीं पूछा, और प्लस 4-5 क्वेश्चन मत पूछना। मैंने 2 से ज्यादा यार क्वेश्चन वाले बहुत सारे भरे पड़े हैं यार, वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि तुम लोग अच्छे से जानते हो, समझदार हो यार तुम लोग भी। अगर तुमको पसंद आया वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक मारना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ यार मेरे जितने भी पुराने वीडियोस हैं जो तुम्हें अच्छे लगते उनको शेयर करो बाकी सब्सक्राइबर्स के साथ, बाकी ऑडियंस के साथ, तुम्हारे फ्रेंड्स को भी वन पीस देखने के लिए बोलो। और बस इतना ही बोलेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।